तो अब क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। फॉर एयर विथ 80% रिलेटिव ह्यूमिडिटी व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन। तो ये हमें इसमें पूछा है, ठीक है, चार ऑप्शन दिए हैं और उसमें ये देखना है कि करेक्ट ऑप्शन क्या है। तो अगर मैं ये जो कंडीशन दी हुई है कि एयर का रिलेटिव ह्यूमिडिटी 80% है, अगर मैं इसका साइकोमेट्रिक चार्ट ड्रॉ करूं तो ये कुछ इस तरह से होता है, और जो 80% की लाइन है वो कुछ इस तरह से जाएगी, 80% रिलेटिव ह्यूमिडिटी की 80%। और मान लो कि मेरा जो एयर है उसका स्टेट इस पॉइंट पे कहीं तो है, लेट से दिस इज द लोकेशन, इस पॉइंट पे मेरा एयर है, ठीक है, उसका जो स्टेट है वो ये वाला है। तो ये केस में इसका जो ड्राई बल्ब टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, वो होगा ये वाला। फिर उसके बाद अगर मैं वेट बल्ब की बात करूं तो वो होगा ये वाला, ठीक है, ये होगा वेट बल्ब टेम्परेचर, और ये वाला जो होगा ये होगा ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। मान लो इस स्टेट पे मेरा जो एयर है उसका टेम्परेचर है 50 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो ये जो 50 है अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊं और यहां पे इस 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी के साथ कोइंसिडेंट करवाऊं तो ये होगा 50। इसका मतलब ये जो होगा वो 50 से कम होगा। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि जो ड्राई बल्ब टेम्परेचर होगा वो होगा ग्रेटर देन वेट बल्ब टेम्परेचर, एंड ऑल्सो मैं ये बोल सकता हूं कि दिस ड्राई बल्ब टेम्परेचर इज ऑल्सो ग्रेटर देन ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। ये दो ऑब्जर्वेशन मिली, और तीसरी जो ऑब्जर्वेशन है वो है कि वेट बल्ब टेम्परेचर विल बी ग्रेटर देन ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। तो इसमें चार ऑप्शंस दिया हुआ है। सबसे पहला जो ऑप्शन दिया है उसमें ये बोला है कि ड्राई बल्ब टेम्परेचर इज लेस देन वेट बल्ब टेम्परेचर। क्या ये सही है? नो, दिस इज रॉन्ग। दूसरा जो ऑप्शन है वो देखते हैं। इसमें यह दिया है कि ड्यू पॉइंट टेम्परेचर इज लेस देन वेट बल्ब टेम्परेचर। तो इसमें जो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर है वो लेस देन वेट बल्ब टेम्परेचर है, तो ये जो ऑप्शन है ये करेक्ट ऑप्शन है। तो इसका मतलब बी इज द करेक्ट ऑप्शन।